यो व्हाट्स अप बॉयज, कैसे आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ऐप मतलब एक कलर चेंजिंग ऐप कैसे बना सकते हो भी code.org की मदद से। तो सबसे पहले आपको code.org खोल लेना है और वहां पे साइन इन कर लेना है। फिर आपने क्लिक करना है क्रिएट पे, फिर ऐप लाइव पे जाना है। ये देखो आपका लोड हो गया। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे डिजाइन पे जाना है और अपना आपने थीम सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ पेस्टल सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये अच्छा है। एंड कोड पे जाके आपको ऑन इवेंट यहाँ पर डाल देना है। राइट क्लिक हो गया, ऑन इवेंट यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आईडी डालनी है, लेकिन उससे पहले डिज़ाइन पे जाके एक बटन भी डालना है, बीच में भी डाल दो। वहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लिक टू सुपर फास्ट, ठीक है। तो मैं अभी इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, इसकी हाइट भी बढ़ा देता हूँ एंड इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ। एंड दिस इज डन। तो अब आपको जाना है कोड पे और यहाँ पे डालना है आईडी की जगह बटन वन एंड दिस इज क्लिक, इसे क्लिक की रखना है। उसके बाद आपको चाहिए कंट्रोल्स में जाना है आपने और यहाँ पे टाइम लूप सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसके अंदर प्लेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी टाइम रख सकते हो। अगर आपको सुपर फास्ट करना, अगर आपको फास्ट क्लिक करते करते करना है तो आप 1000 ही रखो, ठीक है। उसके बाद आपको यूआई कंट्रोल्स में जाना है फिर से और यहाँ पर लेना है सेट प्रॉपर्टी। सेट प्रॉपर्टी को टाइम लूप के अंदर डाल देना है। यहाँ पे आपने आईडी डालनी है स्क्रीन वन, यानी यहाँ पे आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ही डालना है। और यहाँ पे यह आ जाएगा रेड कलर आ जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं लेना। फिर आपने जाना है RGB लेना है, यहाँ से आपने RGB एंड इसे यहाँ पे छोड़ देना है। तो ये हो गया आपका RGB। उसके बाद आपको मैथ में जाना है और रैंडम नंबर लेना है, 250 के जगह पे डाल देना है। फिर आपको और आगे करना है, उसके बाद फिर से रैंडम नंबर लेना है, उसके बाद 0 पे डाल देना है एंड 75 जो है आपने 75 पे भी डाल देना है ये। और आपने सब में एक ही नंबर रखना है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। मैं पे 1 और लिख रहा हूँ 255। आपने सारा कुछ 255 ही कर देना है। यहाँ 1 की जगह कोई भी नंबर लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, 255 लास्ट वाला 0.5 रखो। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये जो बटन है वो मिट जाए तो आप UI कंट्रोल्स में जाकर ले लो हाइड एलिमेंट। ये रहा हाइड एलिमेंट, लेकिन जब मैं इसे दबाऊंगा तो इसे सुपर फास्ट होना चाहिए, इसलिए मैं इसे नहीं छुपाऊंगा। तो ये बन चुका है आपका ऐप या फिर कलर चेंजिंग ऐप बोल सकते हैं आप। तो आप शो टेक्स्ट करके यहाँ पे आप अपने भाइयों को या दोस्तों को दिखा सकते हैं, भाई ये देखो मैंने ये बहुत मेहनत से बनाई है ऐप, जो भी है कलर चेंजिंग ऐप आप बोल सकते हैं। उसके बाद या फिर आप शो ब्लॉक्स भी कर सकते हैं कि उसके बाद आपने बस रन दबा देना है, उसके बाद क्लिक टू सुपर फास्ट। देखो फास्ट हो गया, फिर से रीसेट रन, बहुत टाइम लेता है ये, पहले हमें इस बटन को दबाना पड़ेगा। 3, 2, 1 एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर कलर चेंज हो जाएगा। फिर आप जितनी बार इसे जितनी जल्दी दबाओगे उतना फास्ट होता जाएगा। ये देखो अब 1000 की जगह कोई भी नंबर डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ 0। यस 0। यहाँ पे रन एंड भाई
फास्ट भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस नहीं डाल सकते, सिर्फ 0 से 100 तक की या फिर 0 से आगे ही हो सकता है। तो हम इसकी आईडी भी रख सकते हैं, इसकी स्क्रीन वन ही है, डिज़ाइन में जाके आप बटन वन से स्क्रीन वन कर दो, फिर इसकी आईडी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 209820928। मैंने यहाँ पे कोड, यहाँ पे स्क्रीन वन है इसलिए ये चेंज नहीं हुआ, दिखाता हूँ, इट विल नॉट चेंज, इसलिए आपको स्क्रीन वन आईडी डालनी पड़ेगी। उसकी आईडी है 209928, यहाँ पे मैं डाल दी आईडी, तब ये रनिंग अच्छे से कर जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। ओके, बाय।